जो गेस्ट जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। वकास भट्टी साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आप जरा बताइए इस एक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? जी, पहले तो मैं इस एक्शन की मजम्मत करता हूँ। इस्लाम दुश्मनी में आप इतना पागल हो चुके हैं आरएसएस वाले कि इस्लाम दुश्मनी में आप जहां जहां आपको मुस्लिम एंगल लगता है हर चीज को बैन करते हो और जेलों में बंद करते हो। अब रह गया मुसलमान, मुसलमान को भी बैन कर दो। गोश्त खाना आप बैन कर रहे हो, सोना आप बैन कर रहे हो, रहना आप बैन कर रहे हो, मदरसे आप बैन कर रहे हो, मस्जिदों में ताले आप लगा रहे हो, जमात इस्लामी को आप बैन कर रहे हो। अब PFI था, एक मुसलमानों की एजुकेशन की बात करता था, हेल्थ की बात करता था, रोजगार की बात करता था। अरे वकार भट्टी साहब, वकार भट्टी साहब, आपसे ही पूछा था ना कि इंसानियत के रास्ते पर PFI चल रहा है, जरा काम गिनवा दीजिए। काम आप गिनवा नहीं पाए थे और आज आप फिर बैठ गए उसी राग को अलापने के लिए। जो इतने जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं सर, इतने जो सबूत मिले हैं जिसके आधार पर मंत्रालय की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, उन सबूतों को कैसे नकारेंगे, जरा ये बताइए। सुनिए, सबूत तो आरएसएस का 1947 से PFI को लेकर सवाल पूछा जाता है। आरएसएस पे आरएसएस को बैन नहीं किया गया ना सर, आप मांग कीजिए ना, आप मांग कीजिए, किसने रोका आपको? सुनिए ना, मैडम जी सुन तो लीजिए सर, मेरा सवाल PFI से जुड़ा हुआ है, PFI से जुड़ा। नहीं, वकार भट्टी साहब, मैं आपको डीरेल नहीं करने दूंगी। आपसे सवाल PFI को लेकर पूछा जा रहा है, जवाब PFI को। आरएसएस की मांग आपको करनी है, आप मांग कीजिए, आप मांग कीजिए। आपने खुद बोलना तो मुझे मत बुलाइए। नहीं, आप ये PFI की बात कीजिए सर, PFI की बात कीजिए। सबूतों को कैसे नकारेंगे, सबूतों को कैसे नकारेंगे? पाकिस्तान की थोड़ी कर रहा हूँ, PFI की कर रहा हूँ। सुनिए, PFI को इसलिए, अब सुनिए ना, PFI को इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि PFI RSS से भारत में मजबूती से लड़ रही थी और RSS को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई मुसलमानों की संस्था, कोई तंजीम या मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ मजबूती से खड़ी हो, जिसकी वजह से साजिश बना के PFI को कैंप लगाए जा रहे थे। इसीलिए आतंकवादी संगठनों में रिक्रूटमेंट का कैंप एक तरीके से चलाया जा रहा था। ये तमाम सबूत मिले, हथियार मिले हैं, IED बनाया जा रहा था। वाह वाह, कितना अच्छा काम कर रही थी PFI। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, वकार भट्टी को सुन रहे हैं आप, आपके पास बोलने को तर्क नहीं है तो आप कुतर्क करने लगते हैं, आप कहने लगते हैं कि मुस्लिमों के हित की बात कर रही थी इसीलिए दबा दिया गया। तो सर जरा एक बात समझाइए, जो मुस्लिम संगठन स्वागत कर रहे हैं उनको ये क्या कहेंगे, जो मुस्लिम संगठन इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, जरा बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी सर। मुझे ध्यान में है कि अभी इसके पहले तक लगभग हर व्यक्ति वो जब चैनल पर बैठता था तो कहता था कि अगर PFI गड़बड़ कर रही है तो 8 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार कर क्या रही। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बाकायदा लंबे समय के बाद, यानी एक एक करके उनके खिलाफ जो पुख्ता प्रमाण थे उसको इकट्ठा किया, इनके ऑफिस पर छापा मार के ऐसे डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है वो हासिल किए, इनके जो लिंक्स हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में है, जो आतंकवादी संगठन है ISIS हिजबुल मुजाहिदीन उनके साथ जो संगठन है, और उन सब की जानकारी, पुख्ता प्रमाण सब कुछ जब मिल गया तब आज जाकर PFI को बैन किया है। PFI के इस बैन के खिलाफ भारत का लोकतंत्र है, आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन सीमी के ही स्वरूप को PFI कहा जा रहा है कि बदला हुआ स्वरूप है, और सीमी 2001 में प्रतिबंध के बाद अदालत जा चुकी है, अदालत से भी उसको राहत नहीं मिली। अब PFI के पक्ष में अगर इस तरह की बात कर रहे हैं भट्टी जैसे लोग तो ये खतरनाक है, क्योंकि अब वो प्रतिबंधित आतंकवादी, लेकिन सर इसको जोड़ दे रहे हैं ना, वकार भट्टी जैसे लोग जोड़ दे रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की हित में काम करता था PFI, ये मुसलमानों को बरगलाने का जो काम कर रहा है ये ज्यादा खतरनाक है। ये मुझे बताइए, मुस्लिम समुदाय के हित में काम करेगा तो किसी की हत्या कर देगा, प्रोफेसर के हाथ काट देगा, लोगों के घर पे बम मार देगा, CPM और RSS के कार्यकर्ताओं को मार देगा, जहां उसका जो कहें कि ऑफिस है उसके आसपास गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, उनकी नकदी जो आई है फॉरेन करेंसी वो क्यों रहती है उनके दफ्तरों में, उनके यहां से जो एविडेंस मिले हैं उसमें दारुल सलाम की बात क्यों की जा रही है, उसमें इस तरह की गतिविधियां क्यों है जो राष्ट्र विरोधी है, भारत के खिलाफ है, और वो उन संगठनों के साथ क्यों जुड़े हुए हैं जो पहले भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे। जवाब दीजिए वकार भट्टी साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, तर्क दीजिए, तर्क जैसे तर्क दिया हर्षवर्धन त्रिपाठी सर ने, तमाम वो बातें बताई, वो लिंक्स बताई। जी बिल्कुल रोकिएगा, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। मैं
मैं आपका आप सबका जवाब ये एक ही बात ये देता हूँ कि अगर उर्दू में आपको बैनर पोस्टर मिल जाएगा तो लिंक आप पाकिस्तान के साथ बना लोगे, अगर अरबी में मिल जाएगा तो आप SS अरब के देश पर चले जाओगे कि अरब से फंड आती थी इसलिए अरबी में लिखा गया है, तो आपको लिखने में भी प्रॉब्लम, उठने में भी प्रॉब्लम, हर जगह आप दिक्कत मत ढूंढा करें। उर्दू में अरबी में लिखा हुआ मिल गया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है वकार भट्टी साहब, आप जो बैठ के बातें कर रहे हैं ना, आप सबूत नहीं दे पा रहे, आप तर्क नहीं दे पा रहे हैं कि PFI जो बैन हुआ है, आप बता दीजिए ना क्या अच्छे काम करते थे। माफ कीजिएगा सर, आपके पास तर्क पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैं अपने सहयोगी अमित का रुख करना चाहूंगी। अमित, जिस तरीके से वकार भट्टी कह रहे हैं कि उर्दू में कुछ लिखा मिल जाए, अरबी में कुछ लिखा मिल जाए, तो आप कनेक्शन जोड़ देते हैं कि बाहर अलग अलग राष्ट्रों से इनके संबंध है और आतंकवादी संगठनों से इनका नाता है। केवल इन्हीं इसी आधार पर कार्रवाई नहीं हुई है, बकायदा सबूत मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है PFI। बकार भट्टी साहब, एक मिनट, अदालतों में जाना पड़े प्रूफ, मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ ये जो तुष्टीकरण वाली और सिर्फ राजनीतिक बातें करने की बजाय आपको देखना चाहिए कि किस तरह के सबूत पाए गए हैं। अगर आपको याद हो तो 2013 में बकायदा जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोसिव के साथ ट्रेनिंग कैंप पाया गया था और जिसको लेकर 2016 में 41 PFI कैडर को जो है वहां पर सजा सुनाई गई थी कोर्ट के जरिए। यही नहीं, जो पदम फॉरेस्ट है जो वहां पर भी बकायदा ट्रेनिंग कैंप पाया गया जहां पर ट्रेन किए जा रहे थे आतंकियों को। ये सब सबूत है और कोई सिर्फ दस्तावेज के आधार पर या फिर कहीं कोई कागज पा गया ऐसा नहीं है, वो दस्तावेज है जो ये दिखाते हैं कि PFI के लोग कैसे भारत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, कैसे PFI के लोग जो थे बकायदा इस मुहिम में थे कि लोगों को बरगला कर उसे रेडिकलाइज करा के कैसे भारत में जो एक तरह की हिंसा फैलाई जाए। आपने जो देखा पिछले कुछ दिनों में जितनी भी हिंसा हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ हो या राजस्थान में हुआ, सब में PFI था। कोशिश यही थी कि यहाँ पर धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जाए, जो माहौल है बिगाड़ा जाए, और ये लगातार कोशिश हो रही है। तो इस तरह के दस्तावेज पाए गए, केरला में जो दस्तावेज पाए गए उसमें साफ था कि गजवाए हिंद बनाने की किस तरह की कोशिश की जा रही है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। यहाँ के लोग जो PFI से जुड़े हुए लोग हैं वो सीरिया में जाकर IS के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत सारे दस्तावेज हैं, सिर्फ और सिर्फ चाहे बर्क हो या फिर दूसरे लोगों जो सिर्फ ये कहते हैं कि मुसलमान होने की वजह से मुसलमान की अगुवाई करने वाले संगठन के नाम पर उनको बैन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम जो इस तरह की चीजों को धर्म से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। और इससे पहले भी जो क्रिमिनल होगा या फिर जो गलत काम करेगा उसको धर्म से नहीं जोड़कर देखना सबसे बड़ी गड़बड़ी है। और मुझे लगता है कि PFI आप 2013 की बात देख रहे हैं, 2013 में इस तरह की घटना हुई थी जब कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में साइट पाया गया। तो इतने लंबे वक्त तक तमाम चीजों को जोड़ा गया है, एक एक सबूत जोड़े गए हैं, और जब ये बात हो गया, पुख्ता हो गया कि हां वक्त आ गया है ना, वकार भट्टी जैसे लोग इन सबूतों को ही नहीं मान रहे हैं। और ऐसे केवल वकार भट्टी ही नहीं है, ऐसे कई लोग हमारे देश में, अनुज, शायद इसी को देखते हुए जो है ये गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है कि राज्य और जो राज्यों को ये ताकत दी गई है कि वो UAPA के तहत जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि PFI तो बैन कर दिया गया है, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं इससे, जो ऐसी सोच ऐसी मानसिकता रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने गतिविधि को जारी रखने की कोशिश जरूर करेंगे। अनुज, जी बिल्कुल, राज्यों को निश्चित तौर पर ये निर्देश दिया गया है और ये ताकत दी गई है कि खासतौर पर जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं और खासतौर पर जो PFI के स्लीपर सेल हैं, अगर वो किसी तरीके के एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये देखा गया कि किस तरीके से PFI ने न सिर्फ 17 राज्यों तक अपनी जड़ें मजबूत कर रखी थी, बल्कि उनके जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो लगातार काम कर रही थी और वो लगातार देश विरोधी गतिविधियों के लिए काम कर रही थी। उनकी जो नज़रें होती थी वो किस पर होती थी, जो सुरक्षा एजेंसियां होती थी, जो पुलिस होती थी, जो लोकल इंटेलिजेंस होते थे उन पर रहती थी, और कहीं ना कहीं ये इनपुट्स जो हैं वो लगातार जो है वो शेयर किए जाते थे। और यही वजह है कि बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से ये ताकत जो है राज्य सरकारों को दी गई है
कि अगर किसी तरीके की एक्टिविटीज में वो पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ यूएपीए के तहत बिल्कुल कार्रवाई होनी भी जरूरी है, तभी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पीएफआई की जो भी सोच है उसको निस्तनाबूद जो है वो की जा सकेगी। आप सब तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को पहले वो बता दें, मुरादाबाद से खबर मिल रही है। मुरादाबाद से मुफ्ती कुसुम रजा ने पीएफआई पर बैन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे साजिश बताया है, और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं जरा आपको। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो ये जो तंजीम है या जो भी एक संगठन है, ये अभी कुछ ही दिनों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई हैं और ये सत्ता में आई हैं तब से पॉपुलर फ्रंट बड़ा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो हम इसको जानते भी नहीं थे ये कौन है। बहरहाल अब जो भी हैं जो पीएफआई है तो ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता उदित राज ने पीएफआई पर बैन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्वीट किया है उदित राज ने और ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहुत पुरानी बात नहीं है जब तबलीगी जमात के कोरोना जिहाद से देश खतरे में पड़ गया था और बाद में खुश, कहीं ऐसा ही पीएफआई के मामले में न हो, अगर आतंकी हैं तो जरूर सजा दी जाए कि चुनाव जीतने के लिए माहौल खड़ा ना करे। ये लिखा है उदित राज ने। ये देखिए कांग्रेस का स्टैंड जो है वो सामने आ रहा है। उदित राज जो है ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात, याद होगा कोरोना के वक्त किस तरीके से कहा गया था कि तबलीगी जमात के लोग जो है इधर उधर फैल गए हैं और वो किस तरीके से कोरोना फैला रहे हैं, उसका जिक्र करते हुए लिखा है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के लिए यह माहौल खड़ा किया जा रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, जब उदित राज जैसे नेता इस तरह की बात कहें कि चुनाव जीतने के लिए इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है, तो आप भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए ये बता रहे हैं कि हम भाई इस वर्ग विशेष के साथ हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? शर्मनाक है कि राजनीतिक दलों के लोग अभी भी पीएफआई के पक्ष में बातचीत कर रहे हैं। एक तरीका होता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है और यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो शीर्ष मापदंड है वो उसको लागू किया जाता है, उसको लोग व्यवहार में रखते हैं। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने बाकायदा उसको प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में डाल दिया है, तो कम से कम राजनेताओं को उससे बचना चाहिए। और यहाँ एक बात मैं बता दूं, जो भट्टी साहब हैं वो भी बार बार बोल रहे हैं मुसलमान मुसलमान, शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं, उदित राज कह रहे हैं, ऑल इंडिया पसमांदा एसोसिएशन ने कहा इसको बैन करो, बिल्कुल सूफी खानकाह संघ ने कहा इसको बैन करो, चिश्ती साहब ने कहा इसको बैन करो, और ये सारे संगठन मुस्लिमों के संगठन हैं। ऐसा नहीं है कि पीएफआई पर बैन के लिए कोई हिंदू संगठन कोई आंदोलन चला रहा था। इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिस्सों में पीएफआई की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो उन्होंने हत्याएं की, बमबाजी की है, और इस सबसे ज्यादा जो उनकी इच्छा इस देश को इस्लामिक मुल्क बनाने की है, जो बिहार के फुलवारी शरीफ में मिला, जो तेलंगाना में मिला, जो आंध्र प्रदेश में मिला, जो केरल में मिला, और उसके बाद भी अगर राजनीतिक दलों के लोग इस तरह से सामने आ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है और देश की जनता देखती है। इसीलिए इन लोगों को समझ में नहीं आता और अचानक कहते हैं कि देखिए ये तो जो जनमत है वो हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है। अब अगर देश के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप खड़े देखेंगे तो जनमत आपके पक्ष में भला क्यों आएगा? ये उनके तरह जैसे लोग नहीं समझ पाते। साथ खड़ा है कौन, देश के खिलाफ खड़ा है, जनता को ये समझना होगा। वकार भट्टी साहब, आतंकी और आतंक का कोई मजहब नहीं होता सर, ये रंग कौन दे रहा है जरा बताइए, ये मुसलमानों से कौन जोड़ रहा है? यहां तो मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही है, एक संगठन है जिसके लिंक पाए गए हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, सबूत है, कार्रवाई हो रही है, आप मुसलमान से जोड़ रहे हैं? जी पहली बात तो मैं आपको एक बता देता हूँ, दुनिया भर में मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान मुस्लिम। हमने कहा क्या सर? नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये लाइन आपने क्यों कही? क्या हमने कहा ये मुसलमान मुसलमानों से आप लोग जोड़ते हैं सर? अपने शब्द को मेरे मुंह में मत डालिए। आपने ये लाइन क्यों कही? क्या हमने कहा? हमने कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। वकार भट्टी साहब अपने शब्द वापस लीजिए, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि दुनिया भर में जो मुसलमान है वो आतंकवादी है। ये आप लोग जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, आप देखिए आप बार बार बीच नहीं सर, आप इसको वापस लीजिए, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा। टाइम्स नाउ, ना भारत पर मैं खड़ी हूँ, ना मैंने कहा, ना हमारे चैनल ये कह रहा है, लेकिन अगर एक संगठन के ऊपर कार्रवाई हो रही है आप लोग उसे मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं?
पहले सुनिए, मैं आरएसएस बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है ना आप, मैं सर एक मिनट, फिर इस पे मैं बोलूंगी, मैं आरएसएस बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने चैनल के प्रवक्ता जरूर हूं। आप ये कह रहे हैं कि सारे दुनिया के मुसलमान आतंकवादी नहीं है, तो ना हमारे चैनल ने बोला ना मैंने बोला। वकार भट्टी साहब, आपसे जो सवाल पूछूं सर उसका जवाब दीजिए, अगर उसका जवाब नहीं है तो मैं फिर अपने रिपोर्टर्स के पास जाऊंगी, लेकिन आप इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं दे सकते, मैं बिल्कुल ले लूंगी। वकार भट्टी साहब मुझे ये बताइए, मजहबी रंग कौन दे रहा है सर, मजहबी रंग कौन दे रहा है, सवाल मेरा 30 सेकंड के लिए प्लीज, अब बीच में मत, सवाल मेरा 30 सेकंड बोलने दीजिए ना, मैं इसलिए तो बैठा हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं सिर्फ एक चीज आपको कह दूंगा जाते जाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को, पेड़ पौधे इंसान जानवर हर एक अल्लाह ने बनाया हुआ है, हमारा बिलीव है, मुसलमान का बिलीव है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया हुआ दुनिया में, भगवान ने बनाया है। पूरी बात का जवाब दीजिए ना, मजहबी रंग कौन दे रहा, आप कहाँ चले गए कि अल्लाह ताला ने ये बनाया, मैं ये सवाल ही नहीं पूछ रही हूँ सर, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, उसी पे तो आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, मजहबी कौन दे रहा है? मैं ये मानता हूँ कि अगर आज मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में जो जुल्म हो रहा है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कोरोना जैसी बीमारियां लगा के वो हमारा बदला ले भी रहा है। खुद को हर्षवर्धन त्रिपाठी सर कह रहे कोरोना जैसी महामारी देखकर उसका बदला अल्लाह ले रहा है सर, बदला अल्लाह बदला भी लेता है, अल्लाह ही हंस रहे हैं और ये इनको पता है कि ये सिर्फ बेशर्मी कर रहे हैं। वकार भट्टी साहब अफसोस कर, चैनल पे इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, बिल्कुल मैं कंडेम करती हूँ, मैं कंडेम करती हूँ, आप क्या बोल रहे वकार भट्टी साहब, अल्लाह की बात करते हुए भी मजाक कर रहे हैं, वकार भट्टी अल्लाह की बात करते हुए भी मजाक कर रहे हैं, आप जरा सोचिए मुसलमान कैसे, अगर 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 यहाँ पर कोई और समुदाय विशेष के, अगर कोई और समुदाय विशेष के लोगों ने ये बातें कही होती वकार भट्टी साहब, तो तुरंत सर तन से जुदा की धमकी उसको मिल जाती। आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि अल्लाह बदला ले रहा है, क्या अल्लाह बदला लेगा कोरोना जैसी महामारी देखे, अल्लाह बदला ले रहा है वकार भट्टी साहब, आप होश में हैं सर, अल्लाह हिसाब लेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, ऐसे 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 लोगों को क्या जवाब दे, नहीं मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ, टाइम्स नाउ ना भारत, आपने जो बातें कही ना सर, इसको ना ना तो हम इसको मानते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना सुनते, इस तरह की बातें इजाजत नहीं दी जाएंगी हमारे चैनल पे। आप कह रहे हैं कि अल्लाह बदला ले रहा है कोरोना जैसी महामारी को, अब पूरे विश्व वैश्विक महामारी है इसे, और आप कह रहे हैं कि अल्लाह का बदला है ये। वाह वकार भट्टी साहब, आपको इलाज की जरूरत है सर, आपको इलाज की जरूरत है। हिमांशु, मैं अपने सहयोगी हिमांशु का रुख करना चाहूंगी, ग्राउंड पे मौजूद है हिमांशु, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, पीएफआई पर तो एक्शन हो चुका है, लेकिन वकार भट्टी साहब या पीएफआई के जो सदस्य थे, जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे, इनसे निपटना एक और चुनौती अभी सरकार के सामने मौजूद है। बिल्कुल श्रीजा, टाइम्स ऑफ भारत की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी, और उस मुहिम के जरिए जब बात यहां पर की जाती थी पीएफआई की, पीएफआई जिस तरह से देश विरोधी गतिविधि करता था, तो उस वक्त इन मुद्दों को लेकर यह कहा जाता था कि केंद्र सरकार के पास पावर है, अगर कहीं पर ऐसे संयुक्त पाए जाते हैं तो फिर आप लोग बैन क्यों नहीं कर देते हैं, ये सवाल उठाया जाता था कि केंद्र सरकार के पास तो पावर है तो केंद्र सरकार बैन कर दे, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन अब देखिए, अब जब बैन कर दिया गया है तो उसके बाद किस तरह से मिर्ची लग रही है, और एग्जाम्पल किस तरह से दी जा रही है, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात श्वेता यहां पर कही है कि अल्लाह किसी से बदला लेने की बात यहां पर नहीं करता, भगवान का कोई ईश्वर यहां से बदला लेने की बात नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद जब यहां पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, इस तरह का जिक्र किया जाता है, तो सवाल यहां पर उठते हैं कि आखिर क्यों ये बातें हो रही हैं। देखिए, ये वो जगह है जहां पर इससे पहले यहां पर पुलिस का छापा पड़ा और उसके बाद ये कार्रवाई यहां पर की गई है। आप खुद समझिए कि एक बार नहीं हुआ है, इससे कई बार पहले भी हुआ है, 17 से अधिक राज्यों में पीएफआई जो शक्तिशाली कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन कहा जाता है, 1300 से ज्यादा आपराधिक मामले उस पर दर्ज किए जाते हैं, और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि वो जिन लोगों को ट्रेनिंग देता है वो आइसिस में शामिल हो जाते हैं, वो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में जाके आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको बरगलाया जाता है, उनको अलग अलग टारगेट यहां पर दिए जाते हैं,
और उसके बाद जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, शफीकुर रहमान वर्क हो चाहे भट्टी हो, और ये कहते हैं कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। अरे कोई सबूत कोई जात पड़ताल करने के बाद ही इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है और उसके बाद अब आप लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उसके बाद अब आप लोग सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। पहले आप कहते हैं कार्रवाई की जाओ, जब कार्रवाई की जाती है तो उसके बाद बोलते हैं ऐसा क्यों किया है, यहाँ पर पावरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर इसीलिए उठते हैं कि आप अपने एक स्टैंड यहाँ पर कायम कर लें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, अपने एक स्टैंड यहाँ पर कायम करें ताकि ये पता चल सके कि आप हैं किस तरह। आप संविधान के दायरे की बात करते हैं लेकिन संविधान से उलट जो लोग देश विरोधी गतिविधियां करते हैं उनका उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बरगलाते हैं। तो पीएफआई जैसे संगठन को अगर बैन भी कर दिया जाए ना हिमांशु, तो ऐसे लोग अगर सोसाइटी में मौजूद है तो ये उसी समुदाय विशेष को बरगलाने का काम जो है वो करेंगे। नैना का रुख करती हूँ, हमारी सहयोगी नैना भी शाहीन बाग में मौजूद है। नैना, जरा इस इलाके को दिखाते हुए जरा समझाइए कि किस तरीके से इस तरह से जो सेंसिटिव जोन है उसको टारगेट किया जाता था पीएफआई सदस्यों द्वारा, और किस तरीके से एक वर्ग विशेष को बहलाया फुसलाया जाता था और आतंकी संगठन में उनका रिक्रूटमेंट तक किया जाता है। आप बिल्कुल श्वेता, मैं तस्वीर दिखाती चलूं। दरअसल ये जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, शाहीन बाग की ये गलियां, ये शाहीन बाग अपने आप में ही काफी व्यस्त इलाकों में से एक माना जाता है। शाहीन बाग का मार्केट हो या फिर बाकी इन गलियों को आप देखिए, यही वो बिल्डिंग जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पीएफआई का दफ्तर था, वहाँ पर अब कार्रवाई हुई। आप यहीं के रहने वाली हैं? जी हाँ। यहाँ पे जो कार्रवाई हुई आप जानती हैं उसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता है। पीएफआई को जो बैन किया गया है उसे कैसे देखती हैं? मुझे नहीं पता है, मैं कभी नहीं आई हूँ। क्या नाम? फातिमा। अच्छा फातिमा जी, आप यहाँ पे कुछ कुछ जो एक्टिविटीज होती थी उनके बारे में कुछ जानकारी है क्या? मुझे नहीं पता है, मैं अभी जल्दी आई हूँ गांव से। अच्छा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई संगठन जो जैसे जब धरना प्रदर्शन हुआ तब भी महिलाओं को ले जाने के लिए भी एक अलग टीम थी। हाँ थी, अलग थी महिलाओं को ले जाने के लिए। जी हाँ। तो क्या होता था, कुछ ट्रेनिंग वगैरह या क्या समझाते थे? अभी बोलते थे कि सब हटा लो, ये क्या बैठी हो आप, वो हटा लो इसे, यही सब हो रहा था। नहीं मुझे पता कौन बैठाता था वहाँ पे। सब बहुत सारी थी, औरतें भी थी, मर्द भी थे। हाँ, बहुत सारे थे। यहाँ से किसी को लेकर जाने में क्या पीएफआई वगैरह आपने कभी सुना कि ऐसे कोई लोग उन्हें लेकर जाते? हाँ, दो तीन मरता हुआ था तो उस समय में नहीं थी। अच्छा, ये हाँ सुना हूँ। लेकर जाते और क्या उसमें मतलब स्टूडेंट्स बच्चे वगैरह भी शामिल रहते? हाँ, रहते थे। जामिया के रहते। इस एरिया में आपको लगता है कि इस तरह की कई गतिविधियाँ रही हैं क्या फातिमा जी? नहीं, मुझे नहीं पता है। ऐसी कोई खबर आपने सुना नहीं है? नहीं सुना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा जी। तो आपने सुना श्वेता, दरअसल यहाँ की महिलाएं भी कई जो पीएफआई की गतिविधियों से अवगत हैं और कई जो नहीं अवगत हैं। खास तौर से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हम सभी को याद है, सड़कें किस तरह से पूरी तरह से जाम थी, लेकिन फातिमा ये जरूर स्वीकार करें दोबारा अपने पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, वो बड़ी खबर हम बता दें। बैन पर झारखंड के मंत्री ने विवादित बयान दिया है। देखिए एक के बाद एक पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, मुद्दों से भटका रहा है केंद्र। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आरएसएस को, पटेल ने भी आरएसएस को बैन किया था और अब केंद्र जो है वो मुद्दों से भटका रहा है, इसीलिए पीएफआई को बैन किया गया है। क्या कुछ कहा है बन्ना गुप्ता ने, जरा सुनिए। चूँकि पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं और इसके बारे में पार्टी अधिकृत रूप से हमारे अध्यक्ष जी या हमारे सीएलपी साहब बोलेंगे, लेकिन मैं जो समझता हूं कि वर्तमान सरकार देश के जितने मुद्दे हैं, जो इशू हैं, उन इशू से लोगों का ध्यान भटका रहा है। यहां मुद्दे हैं महंगाई, यहां मुद्दा है भ्रष्टाचार, यहां मुद्दा है लोगों को रोजगार, यहां मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल का दाम कैसे जो है कम हो, मुद्दा है कि रुपया दिन प्रतिदिन गिर रहा है। 100 दिन पर बोला था उन्होंने कि स्विस बैंक से ले आएंगे पैसा, तो मुद्दों को भटकाकर अब गैर मुद्दा में ये ले जा रहे हैं। कभी ये बोलते हैं कि कब्रिस्तान और शमशान, कभी बोलते हैं दिवाली और ईद, कभी बोलते हैं कुछ, कभी बोलते हैं कुछ। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने काम ये कर रहे हैं ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है। और महंगाई की गुप्ता कह रहे हैं कि केंद्र जो है वो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इतना बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, किस तरीके से उस एक्शन को भी बताया जा रहा है कि ध्यान जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है, जो मुद्दे है उससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलकित हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, कैसे
कैसे देखते हैं ये जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं जिसमें केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है कि आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? इतना बड़ा एक्शन, कितने लंबे समय से मांग चल रही थी, बावजूद इसके समर्थन नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार को, उस पर निशाना साधा जा रहा है? देखिए, अभी इसी बात का जवाब एमओएस होम अजय कुमार मिश्रा ने दिया था थोड़ी देर पहले, और उन्होंने ये साफ किया था कि बैन को लगाने की जो वजह है उसके पीछे बहुत सारे सबूत हैं जो सरकार के सामने आए हैं, जांच एजेंसियों के सामने आए हैं, और 2017 से पीएफआई किस तरीके से बड़ी साजिश देश के खिलाफ रच रहा था, किस तरीके से संगठन को बड़ा कर हर जगह नेताओं के साथ साथ संघ के लोगों के साथ साथ हर उस व्यक्ति पर निगाह रखने की कोशिश की जा रही थी जिसका फायदा पीएफआई उठा सकता है या फिर जिसे निशाने पर पीएफआई को लेना था, और सबूत के तौर पर ऐसी ऐसी चीजें पीएफआई के पास से मिली हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि बम बनाने से लेकर तमाम जो ट्रेनिंग थी उसे देने तक की तैयारी थी, ट्रेनिंग सेंटर से भी पूरा संचालन किस तरीके से किया जाता था ये तक सबूत मिले हैं। तो सरकार के पास पुख्ता सबूत है जो इस ओर इशारा करते हैं कि पीएफआई देश के लिए बड़ा खतरा थी, और यही वजह है कि कुछ दिन पहले हुई मीटिंग के बाद में यह तय किया गया कि पीएफआई पर किस तरीके से नकेल कसी जाएगी के और पूरी की पूरी 22 तारीख कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए था तमाम पार्टियों को, लेकिन यहां पर भी राजनीति देखने को मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे